बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको आलू की कतलियाँ बनाना सिखाऊंगी। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए ये आलू लिए हैं हमने 500 ग्राम। इनको इस तरह छील कर स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, इसको भी स्लाइसिस में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर कटी हुई, सब्ज़ मिर्चें हैं 6 से 7 अदद ले लें, 2 अंडे हैं, आधी प्याली दही है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी है। स्पाइसेस में हमने लिया है कुटी हुई सुर्ख मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, नमक है, हल्दी है 1 टीस्पून। सबसे पहले हमने ये एक पैन लिया है, इसके अंदर हमने ऑयल डाला है 1/2 कप। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा गर्म करना है और उसके बाद इसमें आलू शामिल कर देने हैं। इसके अंदर ये हम आलू की कतलियाँ ये ऐड करेंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है। अगर आपने ज़्यादा गर्म किया तो इसके छींटे बाहर तक गिरेंगे। जैसे ही आलू थोड़े से ऑयल के अंदर गर्म होंगे, इसको आपने कलर नहीं देना आलूओं को। जैसे ही ऑयल के अंदर गर्म होंगे आपने इसके अंदर ये प्याज शामिल कर देनी है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ये शामिल कर देना है। ये स्पाइसेस ये ऐड कर देने हैं। और इसको 10 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देना। ये हमने इसको 10 मिनट्स के लिए कवर कर दिया है। बाकी स्पाइसेस हम इसको 10 मिनट्स के बाद डालेंगे। अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं। ये देखें प्याज और आलू कितने खूबसूरत से तैयार हो रहे हैं। अब इसके अंदर हम ये दही ऐड करेंगे। ये टमाटर ऐड करेंगे, कटी हुई मिर्चें, और इसको गलने के लिए 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हुए हैं। मसाला भी इसका खड़ा खड़ा सा है, बिल्कुल मिक्स नहीं हो गया कि वो देखने में अच्छे ना लगे। अब इसके अंदर ये कसूरी मेथी ऐड कर दें। और आखिर में अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। ये 2 अंडे हैं, इनको शामिल किया। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दें। अब हम इसे चेक करते हैं। ये बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आ गया है और ये बहुत टेस्टी तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। हमने इसको डिश आउट किया है। ये देखें कितने खूबसूरत ये आलू की कतलियाँ तैयार हुई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।